इंसान कितनी भी कोशिश कर ले मगर अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। अभी तो सिर्फ तुम्हारे हाथों के निशान काले किए हैं राधिका, अब देखना कैसे मैं तुम्हारे हर दिन को काली रात में बदल दूंगी। यस मिस्टर भाटिया। सर इतनी रात में कॉल करने के लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक इमरजेंसी है। आई हैव टू गो। ऐसे अचानक से? कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। आ गए तुम? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कितनी देर लगा दी आने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। करना तो बुरा शगुन होता है। That means, क्रिश के साथ कोई मुसीबत? नहीं नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हूं मैं। राधिका, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जस्ट लाइक योर ब्लड ग्रुप। अब इतने गंदे पीजेस मारोगी, बुरा नहीं होगा तो और क्या होगा। तुम भी ना। शगुन अच्छे हो या बुरे, अगर लोग अच्छे हैं तो सब अच्छा ही होता है। मुझे क्रिश मिले, इतनी अच्छी फैमिली मिली, तो सब अच्छा ही होगा। नेगेटिविटी का सारा कोटा पिछले जन्म में ही पूरा हो गया। जस्ट रिलैक्स। देर से आने के लिए माफी चाहता। कोशिश बहुत की मैंने लेकिन आ नहीं पाया। अब तुम नाराज मत हो। देखो, मैं कुछ भी देख सकता हूं लेकिन तुम्हें ऐसे नाराज नहीं देख सकता। अब जब मैं तुम्हारे इतने पास आ चुका हूं तो तुम इतना दूर क्यों हो? चुकनी
स्टेट की बाउंड्री में इस वक्त कौन हो सकता है? जाकर देखना पड़ेगा। भाभी, बाहर झाड़ियों के पास कोई है, मैंने किसी को देखा। रात के 3 बजे है, कौन होगा? I'm sure तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। नहीं नहीं भाभी, I'm sure बाहर कोई तो था, मैंने किसी को देखा है। हमारी स्टेट में सिक्योरिटी 24/7 काम करती है, अगर हमारी बाउंड्री में कोई आया होता तो पता चल जाता। इतनी आसानी से हमारी बाउंड्री में कोई आ नहीं सकता राधिका। नहीं नहीं भाभी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आई एम श्योर कि कोई कपल था। अभी तुमने कहा कि कोई है, अब तुम कह रही हो कोई कपल है, थोड़ी देर बाद तुम कहोगी कोई 3 लोग थे। राधिका, मुझे लगता है तुम आधी नींद में हो अभी भी। अगर कोई होगा तो सिक्योरिटी वाले देख लेते, बता देते, या क्रिश ही देख लेता। वो क्रिश घर पर नहीं है। क्या क्रिश घर पर नहीं है? शादी की पहली रात वो अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ चला गया? तो तुमने जाने क्यों दिया? ना, ऐसा कौन सा जरूरी काम था तुमसे ज्यादा जरूरी? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस से अर्जेंट फोन आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। कृष भी ना कभी नहीं सुधरेगा, काम के आगे उसे कुछ दिखता ही नहीं। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे सब सिखा दूंगी। पति को अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे उसे प्यार करना चाहिए। अभी अब तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ, और हाँ, खिड़की दरवाजे बंद करके सोना। नहीं नहीं भाभी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, बाहर कोई है, एक बार चलकर देखे क्या? राधिका, हमारे घर की बहुएं इस तरह बाल खुले रखकर आधी रात को बाहर नहीं जाते, कहते हैं बुरा साया पड़ जाता है। सॉरी भाभी, लेकिन मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती। राधिका, हमारे साथ रहने लगी हो ना, तो मानने भी लग जाओगी। अब जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ, और हाँ, खिड़की दरवाजे बंद करके सोना। मानना पड़ेगा, क्या समझाया है तुमने। सच बताऊं तो मुझे भी लगा कि बाहर कोई नहीं है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार है, अभी तो मैंने समझा दिया, लेकिन इतनी आसानी से समझने वाली मैं से नहीं है ये।
वहां तो कोई भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में मेरा एक डाउट था? I'm still sure कि वहां कोई तो था। पता नहीं ये क्रिश भी कब तक आएंगे। वो तो अच्छा है उस वक्त मेरी उस खिड़की पर नजर चली गई। वरना कमाल, लेकिन तुम्हें इतनी दूर से इतना साफ नजर कैसे आ गया? कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझसे सवाल मत किया करो। प्यार करते हैं सवाल नहीं करते, उस पर विश्वास करते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें, जितना विश्वास मुझे खुद पर है ना, उससे कहीं ज्यादा विश्वास मुझे तुम पर है। और रही बात उस राधिका की, तो तुम टेंशन मत लो, चाहे जितनी भी मॉडर्न क्यों ना रहेगी वो पतिव्रता नारी, हिंदुस्तानी और क्या अबला टाइप्स। अबला को सबला बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को लेकर उसे कोई भी शक। प्रीति, किसी को शक नहीं होगा। आज तक तो मेरे खुद के भाई को शक नहीं हुआ, तो फिर वो राधिका क्या चीज है? हा? हम बहुत मुश्किलों से यहां तक पहुंचे और मैं नहीं चाहती मंजिल के इतने करीब आकर हम कोई गलती कर बैठे। कोई गलती नहीं हो, होगी तो थोड़ी सी गुस्ताखी। ये तो काम पर गए थे, अभी कैसे आ गए? राधिका, तुमने एक सुपरमैन से शादी की है, उड़कर घर वापस एंड ऑफिस से घर, नॉट बैड। क्रिश, रात को लेट सोए होंगे, सोने देती हूं। ये क्रिश भी ना,
प्यार का असर हर तरफ है। एक मैं हूं जो इनकी याद में पूरी रात सो भी नहीं पाई, और एक ये जो घोड़े बेचकर सो रहे। किसी ने बिल्कुल सही कहा, शादी के बाद एक लड़की की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि अब लाइफ में किसी और की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं। माय लाइफ इज कंप्लीट। अब जब तक ये उठते नहीं, मैं इनके नाश्ता बना कर लाती हूँ। लगता है अभी तक कोई जगा नहीं, इसलिए मंदिर के दिए नहीं जल रहे हैं। कोई बात नहीं, घर के दिए जलाने का काम मेरा है। तुम तो आते ही मुझसे मेरा हक छीनने लग गई। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिया नहीं चल रहा था तो क्रिश आ गया? हाँ, शायद रात को देर से आया होगा। तुम आजकल की लड़कियां कितनी अजीब होती हो ना, कितनी केयरलेस होती हैं। दुनिया की हर चीजों पर अपनी नजर रहती है, लेकिन अपने पति के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, उनका खाना पीना रहन सहन कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ससुराल पर एक औरत का हक तभी होता है जब उसका पति उसके साथ हो। तुम बेकार की चीजों पर ध्यान देना बंद करो और अपने पति पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि उधर इधर ध्यान देना तुम्हारी निजी जिंदगी को महंगा पड़ जाए। अभी आप कैसी बातें कर रही हैं? नई दुल्हन का पहला दिन तो होप्स और हैप्पीनेस से भरा हुआ होना चाहिए, और आप है कि ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? राधिका, मैंने तो सिर्फ तुम्हें सलाह दी है। तुम अगर मेरी बातों को उल्टा ले रही हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम कुछ कह रही थी?